नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज बात उत्तराखंड कांग्रेस की। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री और टिहरी के कद्दावर नेता किशोर उपाध्याय ने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की है, एक हमला करने की कोशिश की है। किशोर उपाध्याय ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि 26 मई 2016 को उनको राज्यसभा में भेजे जाने की चर्चा हो रही थी, सहमति बन रही थी। लेकिन फिर किशोर उपाध्याय लिखते हैं कि इसकी साजिश तो दिल्ली में पहले ही रची जा चुकी थी। किशोर उपाध्याय अपनी पोस्ट में यह भी लिखते हैं कि जहां विश्वास होता है वहीं पर विश्वासघात भी होता है। आखिर में इस पूरी पोस्ट का जो लबोलिबाब है वो ये है कि उनको बलि का बकरा बनाया गया है, और उस पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा है कि अपने लिए तो सब कुछ चाहिए और दूसरे से त्याग और बलिदान की अपेक्षा की जाती है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर किशोर उपाध्याय ने इस समय ये पोस्ट क्यों लिखी है और इसका इशारा किसकी तरफ है। 2016 की जब हम बात करते हैं तो उस समय उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। उस सरकार के मुखिया हरीश रावत हुआ करते थे और हरीश रावत की इच्छा के बिना कोई भी पत्ता उत्तराखंड में राजनीति का नहीं हिलता था। तो ये माना जा सकता है कि किशोर उपाध्याय ने ये पोस्ट हरीश रावत को केंद्र में रख कर ही लिखी है। 2016 में हरीश रावत के जमाने में उनके एक और सिपा सलाहकार प्रदीप टमटा को राज्यसभा भेजा गया। उस समय 2016 में किशोर उपाध्याय भी राज्यसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। भंवर जितेंद्र सिंह भी किशोर उपाध्याय के पक्ष में खड़े थे, ऐसा किशोर उपाध्याय ने भी अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरीश रावत को घेरने की कोशिश शुरू हो गई है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले महीने यानी 2021 में अप्रैल के महीने में ही जो सल्ट विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उस चुनाव में हरीश रावत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। हरीश रावत के पसंदीदा कैंडिडेट को ही टिकट दिया गया, जबकि उसी क्षेत्र के एक दिग्गज नेता जो कभी हरीश रावत के नजदीकी रहे हैं, रणजीत सिंह और उनके बेटे का पत्ता काट दिया गया। उस समय रणजीत सिंह ने भी हरीश रावत के खिलाफ कई जुबानी तेवर दिखाए थे, कई तरीके के हमले किए थे, और उसके बाद अब किशोर उपाध्याय ने इस तरीके की पोस्ट लिखकर एक संदेश, एक हमला करने की कोशिश की है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या जो उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हैं वो हरीश रावत की मौजूदगी, उनके कद से डर गए हैं और उनको इस बात की आशंका है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरीश रावत चुन चुन कर अपने समर्थकों को टिकट देंगे उनकी मनपसंदीदा सीटों से, और जो किशोर उपाध्याय या रणजीत रावत या दूसरे और कांग्रेसी नेता हैं जो फिलहाल हरीश रावत से नजदीकी नहीं रखते, उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र हरीश रावत दिल्ली में बैठकर या दिल्ली से देहरादून आकर कर सकते हैं। तो उस डर का ही ऐसा लगता है कि तमाम कांग्रेसी मिलकर एक एक करके कांग्रेस के ही बड़े नेता के खिलाफ आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखना यह है कि जो किशोर उपाध्याय ने फेसबुक पोस्ट लिखी है, जो उनका अधिकृत अकाउंट माना जा सकता है, उसके बाद कांग्रेस के भीतर क्या हलचल होती है और हरीश रावत इस पोस्ट का किस तरीके से जवाब देते हैं, क्योंकि हरीश रावत लगातार जवाबी हमले भी करते रहे हैं अपने विरोधियों पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारे फेसबुक पेज को और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें यह भी बताइए कि आप अपने लिए किस तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और आपसे एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।